हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज हेवन में आपका स्वागत है। तो आज मैं घर पर एकदम हलवाई जैसे रसगुल्ला बनाऊंगी, जिसमें सिर्फ दूध और चीनी का इस्तेमाल होगा। तो चलिए रसगुल्ला बनाना शुरू करते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 लीटर दूध गैस पर चढ़ाएंगे उबाल आने के लिए। दूध में उबाल आ गया है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक बार चला लेंगे, हल्का ठंडा होने देंगे। ये हल्का ठंडा हो गया है, अब इसमें 2 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच पानी एक ही में मिक्स करके इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये फट ना जाए। दूध अच्छी तरह से फट गया है, अब बर्तन में छन्नी रखेंगे, उसके ऊपर कोई सूती कपड़ा रखेंगे और उसमें छेना को डाल के छान लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे विनेगर का खट्टापन निकल जाए। इसे इस तरह से निचोड़ते हुए 15 मिनट के लिए हैंग कर देंगे, जो एक्स्ट्रा पानी हो निकल जाए। 15 मिनट बाद इसे प्लेट में निकालेंगे और हथेलियों की मदद से इसे मसल मसल कर स्मूथ बनाएंगे। ये अच्छी तरह से स्मूथ हो गया है, इसे रगड़ने में 7 से 8 मिनट तक टोटल लगा है। अब हम इसके रसगुल्ले बनाएंगे। ध्यान रहे कि बॉल्स में क्रैक्स नहीं होने चाहिए। सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिया है, अब इसे हल्के गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। अब हम चाशनी को बनाएंगे, तो इसके लिए पतीले में 1.5 कप चीनी डालेंगे और 2.5 कप पानी डालकर उबाल लेंगे। इसमें 1 से 2 इलायची क्रश करके डाल देंगे। चाशनी में उबाल आ गया है, अब इसमें सभी रसगुल्ले डाल देंगे। इसे 5 मिनट के लिए खोलकर पकाएंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और 10 मिनट इसे ढककर पकाएंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। रसगुल्ला अच्छी तरह से पक गया है, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो गया है, इसे निकाल लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेस्टी रसगुल्ला बनकर तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।